गाइस, क्या आपने कभी सोचा है कि आज से 100 साल बाद की दुनिया कैसी होगी? विज्ञान और तकनीक की ये दुनिया इतनी तेजी से बदल रही है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि आने वाले 100 सालों में हमारे जीवन में क्या क्या बदलाव आएंगे। चलिए एक ऐसी दुनिया की कल्पना करते हैं जहाँ विज्ञान ने हर संभव सीमा को पार कर लिया है और इंसान का जीवन पूरी तरह से बदल चुका है। 100 साल बाद हमारी दुनिया पूरी तरह स्मार्ट सिटीज में तब्दील हो चुकी होगी। इस शहर खुद ब खुद काम करेंगे, बिना किसी इंसानी दखल के हर घर, हर सड़क, हर इमारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जुड़ी होगी। आपको केवल एक आदेश देना होगा और आपका काम तुरंत हो जाएगा। आपका घर, आपकी गाड़ी, यहाँ तक कि आपके कपड़े भी स्वचालित होंगे। अब आप आँख बंद करके कल्पना कीजिए कि आपका सुबह का अलार्म आपके बिस्तर से उठने से पहले ही आपके लिए चाय तैयार कर चुका होगा। आपकी स्मार्ट गाड़ी बिना किसी ड्राइवर के खुद ब खुद आपको ऑफिस ले जाएगी और रास्ते में आपको दिन का शेड्यूल आपके सामने प्रोजेक्ट किया जाएगा। ट्रैफिक जाम या एक्सीडेंट जैसी समस्याएं केवल इतिहास की किताबों में मिलेंगी, क्योंकि हर वाहन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI से नियंत्रित होगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी होगी कि बीमारियों का नाम और निशान तक मिट चुका होगा। जीन एडिटिंग तकनीक के जरिए बच्चों को जन्म से ही स्वास्थ्य और दीर्घायु बनाया जा सकेगा। इंसान के अंगों को 3D प्रिंटिंग से तैयार किया जा सकेगा, जिससे अंग प्रत्यारोपण बेहद आसान हो जाएगा। कैंसर, एड्स और दूसरी गंभीर बीमारियां अतीत की बातें होंगी। अगर कोई दुर्घटना हो भी जाए तो नैनोबॉट्स इंसान के शरीर में जाकर मिनटों में ठीक कर देंगे। डॉक्टरों की जगह रोबोटिक सर्जन ले चुके होंगे जो बिना गलती के जटिल सर्जरी भी कर सकेंगे। 2124 यानी कि आज से 100 साल बाद 2124 तक पृथ्वी पर जीवन जीने का तरीका ही नहीं बदलेगा, बल्कि इंसान अंतरिक्ष में भी नई बस्तियां बसाने में कामयाब हो जाएंगे। चंद्रमा और मंगल ग्रह पर इंसानी बस्तियां बन चुकी होंगी। यहाँ न केवल लोग रहेंगे बल्कि खेती भी होगी। पृथ्वी के संसाधनों पर निर्भरता कम होगी और अंतरिक्ष में नए संसाधनों की खोज की जाएगी। इंसान सिर्फ छुट्टियों में पृथ्वी से बाहर नहीं जाएगा बल्कि अंतरिक्ष में ही स्थायी रूप से रहने लगेगा। नई पीढ़ियां ऐसी होंगी जिन्होंने कभी पृथ्वी पर कदम ही नहीं रखा होगा। अंतरिक्ष पर्यटन इतना आम हो जाएगा कि आप बस एक टिकट बुक करेंगे और कुछ ही घंटों में आप चांद पर पहुंच जाएंगे। आने वाले 100 सालों में पृथ्वी को जलवायु परिवर्तन से बचाने के लिए भी नए उपाय खोजे जाएंगे। ऐसे शहर बनाए जाएंगे जो पूरी तरह से पर्यावरण के अनुकूल होंगे। हवा, पानी और ऊर्जा का उपयोग अधिक कुशलता से होगा और प्रदूषण का नाम और निशान नहीं रहेगा। पेड़ों की जगह कृत्रिम पेड़ लगाए जाएंगे जो प्रदूषण को रोकने में कारगर होंगे। समुद्रों से प्लास्टिक और दूसरे प्रदूषकों को खत्म करने के लिए नैनोबॉट्स का इस्तेमाल होगा। सोलर पैनल्स की तकनीक इतनी उन्नत हो जाएगी कि हम सूरज की रोशनी से पूरे शहर को रोशन कर पाएंगे। रोबोट्स और AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमारे जीवन के हर हिस्से से शामिल हो जाएंगे। घर के काम से लेकर फैक्ट्रियों में उत्पादन तक हर चीज रोबोट्स के हाथ में होगी। इंसानों को सिर्फ अपनी रचनात्मक और सोच पर ध्यान देना होगा, बाकी सारे काम रोबोट्स और AI संभाल लेंगे। आप सोचिए, आपके ऑफिस में रोबोट्स आपके सहकर्मी होंगे। वे आपके निर्देशों पर काम करेंगे और जटिल कामों को बड़ी आसानी से निपटाएंगे। घरों में AI असिस्टेंट आपके परिवार का हिस्सा बन जाएंगे जो हर वक्त आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। तकनीक के साथ साथ इंसानी सोच और समाज भी पूरी तरह बदल चुका होगा। लोग छोटे छोटे देशों या सीमाओं में बंधे नहीं रहेंगे बल्कि पूरा विश्व एक साथ जुड़ा हुआ होगा। भाषा की बाधाएँ खत्म हो जाएंगी क्योंकि AI तुरंत अनुवाद कर सकेगा। शिक्षा और ज्ञान का आदान प्रदान इतना आसान होगा कि हर कोई किसी भी विषय पर विशेषज्ञ बन सकेगा। 100 साल बाद की दुनिया आज के समय से इतनी अलग होगी कि हम उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। ये दुनिया तकनीक, विज्ञान और इंसानी सोच के लिए ऐसे स्तर पर पहुंच चुकी होगी जहां असंभव कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हम इस भविष्य के लिए तैयार हैं? ये हमारी झलक 100 साल बाद की दुनिया की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे YouTube चैनल मिस्टर साइंस लवर को सब्सक्राइब करें।
ताकि आप विज्ञान की हर नई खोज और रोमांचक भविष्य की दुनिया के सफर का हिस्सा बन सकें। तो गाइस चलिए मिलते हैं फिर कोई नई वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।